We are starting the recording, then I will definitely go ahead with the lecture. So today we are going to learn some interesting cases related to goodwill in the chapter admission of a partner. What are these interesting cases and how they are formed? एक इंटरेस्टिंग केस अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, किसको याद है चलो फटाफट टाइप करो, क्या याद है वो टाइप करना, व्हाट वाज दैट इंटरेस्टिंग केस। क्या सिचुएशन था वहां पर, एनीबॉडी? नहीं नहीं गुडविल के बारे में, नो नो वो तो बिल्डिंग और स्टॉक के बारे में था, नो नॉट गो ओल्ड समृद्धि। लास्ट टाइम क्या था गुडविल का आपको याद है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म एंड इट्स रिवाइज्ड वैल्यू वाज या इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, then goodwill is to be treated like a normal asset। यही किया था आप लोगों ने, goodwill was treated like a normal asset, increase in the value of goodwill will be profit while decrease in the value of goodwill will be loss, this profit or loss is to be transferred to revaluation account। बोलो याद है आप लोगों को ये केस, yes no don't know, was that question number, मैं वो भी लिख के रखता हूँ ताकि पढ़ाई करते हुए आपको याद रहे। उन लोगों ने कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था दोस्तों, 8 नंबर था मेरे को याददाश्त के हिसाब से, 8 याद आ रहा है बट आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक इट आउट। दस क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 150 पेज नंबर 150। सो रेफरेंस भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब कभी कभार आपको ऐसा आ सकता है, ध्यान से सुना, अभी मैं नया नया चीज बता रहा हूं। इफ द क्वेश्चन सेज गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर, what they have done is they have calculated goodwill of the firm, they have calculated new partner share, lekin bolta hai ki goodwill privately diya, to mere ko batao hamare books of accounts mein uska kya asar hoga, soch ke batao agar humko diya hai that goodwill is paid privately to hamare books of accounts mein uska kya asar hoga, aapko kya lagta hai, आप लोगों से पूछ रहा हूं, एनीबडी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एंट्रीज मस्ट बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स, एनी आइडिया? आपको क्या लगता है, मैं पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू, अगर हमको बोलता है गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स, सो ऐसे टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स, देन स्नेहा ने डाउट पूछा बट इट इज करेक्ट, नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो
बिजनेस में आया ही नहीं, उन्होंने अपने आप संभाल लिया चीजों को, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट बनाने का भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट नंबर 2 नहीं बनाना है, क्योंकि उनको गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना नहीं है। देखो दोस्तों बहुत इजी रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सिखाया नहीं तो आप एग्जाम में अचानक आ गया तो आप बोलोगे क्या करने का, सर ने सिखाया ही। बट लॉजिक सिंपल है, प्राइवेट आपस में उन लोगों ने पार्टनर्स में तय कर लिया, तो फिर अपना वहां पर कोई काम नहीं है। बोलो सबको समझ में आया क्या? दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन क्वेश्चन नंबर 12। थियरी होने के बाद मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, पेज नंबर 154। ये एक ही क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, दिस इज अ बिट डिफरेंट एंड टफ एज वेल। इफ गुडविल इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट से द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर विल, अब दो बातें हो गई। एक तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर कैश फॉर गुडविल ही आपके लिए नया नहीं है। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, यानी कौन सा केस है दोस्तों? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल यानी कौन सा केस है? आगे चल के कुछ नहीं बोला है। यस इट इज रिटेन्ड, अभी आपको सबको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। प्रॉब्लम है गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो ऐसे टाइम पे दो बातें करनी होंगी, ध्यान से सुन लेना। देन द गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट मस्ट बी रिटन ऑफ अमोंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला क्या करने का, पहले वो जो जुना गुडविल था उसको राइट ऑफ कर देने का। पहला जो जुना गुडविल था उसको राइट ऑफ कर देने का। राइट ऑफ करना मतलब क्या सर? राइट ऑफ करना मतलब पार्टनर्स में बांट देने का, ठीक है? मतलब इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। और किसमें बांटने का? राइट ऑफ किसमें करने का? अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होने के बाद रेगुलर एंट्रीज फॉर कैश रिटेन बाय द फर्म मस्ट बी पास इन द बुक्स। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग चैलेंजिंग, एंड वी आर गिवन वन सच क्वेश्चन। It is given in question number 8, page number 147. We are going to discuss both these questions today. Okay? So, अच्छा retained बोला, कभी चल के withdrawn रहेगा, कभी चल के और कोई केस रहेगा, तो जो भी रहेगा ठीक है। दो बातें समझ लो, goodwill लिया तो normal asset, गुडविल का दूसरा कोई केस दिया कैश ब्रॉड दिया तो उसका एंट्री, और जुना वाला गुडविल राइट ऑफ कर देगा। बोलो क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस नो डोंट नो।
आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम टू पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 8. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम टू पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 8. Let us discuss that. It says the balance sheet of Adil and Samir, who share profits in the ratio of 2:1, as on 31st March 2018. So we are given capitals, Adil or Samir ka. Then something we are given, investment fluctuation reserve. And also investment fluctuation reserve. अगर मैंने सिखाया नहीं आपको, आप मुझे बताओ कहां लिखोगे, क्या करोगे? एग्जाम में सोचो, अचानक आ गया. रहा मिश्रा सी, पार्टनर्स अकाउंट, वेरी गुड. ऑफ कोर्स वेरी सी, रिजर्व फंड वर्ड आ गया. कुछ एक्सेप्शन से मैं बाद में सिखाऊंगा. तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. I repeat again, जो लोग textbook follow करते हैं, they may see something different. Don't worry about it. मैं जो सिखाता हूँ follow करो, मैं तुम्हारे रास्ते पे चलता हूँ. Textbook में अलग अलग options दिए, that is also not wrong. But when you are in a capacity to understand newer things, I will teach you what does that mean, why is it done. तब तक जो बता रहा हूँ वही याद रख. वैसे ही जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में आएगा. यहाँ पर देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है. और एडजस्टमेंट नंबर 2 में मैं आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ. राजू पेस 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय अदिल एंड समीर, हाफ गुडविल विड्रॉन. आई होप एवरीबॉडी रिमेम्बर्स. तो ऐसे टाइम पर क्या बोला, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ. तो गुडविल कहां पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इफ यू अंडरस्टूड यू कैन गिव मी अ थम्स अप फॉर गुडविल. परफेक्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू. Now, if I look at the next item, I hope you should be able to recollect profit and loss account on the asset side of the balance sheet is a dash. Profit and loss account on the asset side of the balance sheet is a dash, is an example of dash. Not net loss. ठीक है, टू एन एक्सटेंट करेक्ट अनिश पवार, यस दिस इज द वर्ड, नॉट नेट लॉस. नेट लॉस इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस. वेरी गुड, दोज हू हैव आंसर्ड, वेरी नाइस. अब इसका इफेक्ट कहां पर आएगा आप मुझे बताओ. एक्यूमुलेटेड लॉस है तो, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो, अरे रे 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 रे, अनन्या चौहान भाईच काम धोक्याच. एक्यूमुलेटेड लॉस याद दिलाने के बाद भी आप अगर बोलते हो बैलेंस शीट एसेट साइड तो वेरी रॉन्ग. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, इट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अरे नहीं रे दया मिश्रा, थोड़ा थियरी पढ़ो, तुम लोग थियरी वापस भूल गए हो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड टॉपिक है अपना रिवैल्यूएशन, सॉरी सेकेंड टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा वो. लाइकवाइज अभी के लिए सुन लो, आज एक दिन में मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता हूं. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मेरे को अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में किसी ने याद दिलाना, बोलना सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में आप सिखाने वाले थे. लेकिन लेक्चर के पहले जब अपन मिलते हैं तब, बाद में नहीं. आज आपको इतना ही मैं बताता हूं, इट इज ऑल्सो ए लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड.
सो यहाँ पर दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तीन लॉसेस है, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तीनों भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप दैट इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड कैश, कैश अकाउंट डेबिट साइड। On 1/4/2018, Raju was admitted into partnership on the following terms. Raju pays 30,000 capital for 1/4 share. Raju pays 15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. Half goodwill withdrawn. How many journal entries are to be passed? Half goodwill withdrawn. Yes, 3 entries. Cash to goodwill, goodwill to old partners to cash. लेकिन आखिरी एंट्री में अमाउंट हाफ हाफ हो जाएगा. Okay, RDD is to be created at 10%. Value of land and building is appreciated by 30,000. Investments were reduced by 22,500. I remind again. टेक्स्ट बुक का आंसर मत देखो, देखोगे तो वो अलग रास्ते में भटक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ एडजस्ट किया है। हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग सीधा सीधा करने वाले हैं। वो क्यों करते हैं मैं बोला ना, थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट 62,250। अब ये मेरे को बरोबर से जवाब देना, गड़बड़ मत करना। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000 है और इधर रिवाइज वैल्यू है 62,250। सिर्फ मेरे को बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्रेडिटर 63,000 का 62,250 हो रहा है, मतलब यस प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखते वक्त आप क्रेडिटर्स इनर कॉलम लिखोगे 63,000 लेस प्रॉफिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होता है, तो लेस प्रॉफिट लिखेंगे वहां। समझा सबको? 750 आउटर कॉलम 62,250 आएगा और प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स। कैपिटल्स ऑफ अदिल एंड समीर आर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज बेस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इज टू बी मेड थ्रू कैश। वर्किंग नोट नंबर 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स करके सॉल्व करना होगा। इधर एक क्वेश्चन नंबर 8 के बाजू में टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, टिपिकल, TYPICAL, टिपिकल म्हणजे काहीतरी वेगळा आहे या प्रश्नामध्ये।